हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं ब्रैकियोपोड्स मॉर्फोलॉजी। जैसे कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि हम पैलेंटोलॉजी में कि आप सभी ने डिमांड करी थी पैलेंटोलॉजी की, तो मैंने पैलेंटोलॉजी की लिस्ट बना दी है। उसमें वीडियोज़ भी अपलोड हो रखी हैं, कुछ तो पहले ही हो रखी थी। अभी रिसेंटली मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल अपलोड किया। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ब्रैकियोपोड्स, अब मॉर्फोलॉजी देखेंगे ब्रैकियोपोड्स की। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म्स लिखी हैं, ब्रैकियोपोड्स और मॉर्फोलॉजी। इस वीडियो में और क्या क्या देखेंगे देखेंगे ब्रैकियोपोड्स होते क्या हैं, टर्म्स जो टर्मिनोलॉजीज यूज होंगी ब्रैकियोपोड्स के लिए उनके, तो वो टर्म्स देखेंगे कुछ कुछ। ठीक है, डायग्राम देखेंगे, उसकी हल्की फुल्की लेबलिंग देखेंगे, और देखेंगे हम डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रैकियोपोड्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या था जियोलॉजिकल टाइम स्केल में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टर्म यहाँ पे जो मैंने लिखी है मॉर्फोलॉजी है। ठीक है, हमें पता होना चाहिए मॉर्फोलॉजी एक्चुअल में होता क्या है। तो ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड विद रिलेशनशिप बिटवीन दियर स्ट्रक्चर्स। ठीक है, बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो डील करती है विद फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फॉर्म मतलब शेप, उनका साइज कैसा है, शेप और साइज आ जाता है फॉर्म में बेसिकली। ठीक है, तो जो बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के शेप, उसके साइज या एंड विद रिलेशनशिप बिटवीन द स्ट्रक्चर, और उनके स्ट्रक्चर के बीच में कैसा कैसा रिलेशनशिप है उसके उससे डील करती है जो ब्रांच, उसी को कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, आगे है ब्रैकियोपोड्स। अब ब्रैकियोपोड्स क्या होते हैं, हमें पता है ब्रैकियोपोड्स ऑन एनिमल्स होते हैं। द एनिमल्स बिलोंगिंग टू द फाइलम ब्रैकियोपोडा, ऐसे एनिमल्स जो कि ब्रैकियोपोडा फाइलम को बिलोंग करते हैं एंड आर कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ अ शेल। और उनकी विशेषता ये है, उनमें विशेष ये है कि उनमें शेल होगा। शेल होगा तो हम ऑब्वियसली समझ जाएंगे कि ये ब्रैकियोपोड्स हैं। ठीक है, दे हैव हार्ड वेल्व्स ऑन दी अपर एंड लोअर सरफेस। वेल्व होते हैं इनमें, ठीक है, अपर और लोअर सरफेस में वेल्व्स होते हैं। देखो कुछ इस टाइप का शेप होता है, ये उनका अपर वेल्व होगा और ये नीचे वाला लोअर वेल्व। अगर हम साइड व्यू से देखें तो ये वाला अपर वेल्व और ये वाला लोअर वेल्व, ये ऐसे क्लोज रहते हैं और ये यूं खुलते हैं, ऐसे खुलते हैं ये। ठीक है, और एक साइड से ये जुड़े होते हैं, अगर देखो इस तरफ से ये जुड़े हुए हैं हिंज से। ठीक है, और ये यूं खुलता है, ओपन क्लोज, खाने पीने के लिए ऐसे खुलता है। ठीक है, तो वेल्व्स होते हैं इसमें, और जो वेल्व्स होते हैं वो अनइक्वल होते हैं, बराबर नहीं होते हैं आपस में, एंड दे आर हिंज्ड, हिंज्ड में जुड़े हुए हैं, जो कि मैंने अभी आपको बताया, एट द रियर एंड, पीछे से वो जुड़े होते हैं और आगे से वो यूं खुल सकते हैं, आगे से खुल सकते हैं और पीछे से ये जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसे। वाइल द फ्रंट कैन बी ओपन फॉर फीडिंग एंड क्लोज फॉर प्रोटेक्शन। फ्रंट जो है खाना खाने के लिए खुलता है और प्रोटेक्शन के लिए बंद रहता है। ठीक है, अब इसमें हम काफ़ी सारी टर्म्स देखेंगे जो जिनका मतलब हमें पता होना चाहिए। तो डॉर्सल इसमें टर्म आएगी, उसका मतलब होता है अपर साइड और बैक ऑफ एन एनिमल या प्लांट, किसी एनिमल या प्लांट का जो ऊपर का हिस्सा होती है, ऊपर का हिस्सा होता है उसको हम कहते हैं डॉर्सल। वेंट्रल मतलब लोअर साइड और अंडर साइड ऑफ एन एनिमल या प्लांट, जहाँ पे उसका पेट या स्टोम एब्डोमिन होती है उसको हम वेंट्रल साइड कहते हैं, और ऊपर के हिस्से को जहाँ पे उसका बैक होगा या कमर होगी उसको हम डॉर्सल कहते हैं, और जहाँ पे उसका पेट होगा एब्डोमिनल होगा उसको वेंट्रल कहते हैं। ठीक है, एंटीरियर मतलब फ्रंट पार्ट, जो उसका फ्रंट पार्ट है नियरर टू द हेड, हेड के मतलब सिर के पास जो उसका फ्रंट पार्ट होता है उसको एंटीरियर कहते हैं, और पोस्टीरियर मतलब होता है बैक पार्ट, जो उसका पीछे का हिस्सा होता है, नियरर टू द हाइंड एंड, जो उसके पीछे की तरफ का हिस्सा होता है, जो उसके हाइंड की तरफ होता है उसको कहते हैं पोस्टीरियर। आर्टिकुलेट और इनआर्टिकुलेट, देखो आर्टिकुलेट मतलब टूथ एंड ग्रूव प्रेजेंट, जो टूथ एंड सॉकेट होते हैं इसमें, देखो उनके टीथ होते हैं, देखिए अगर ये दांत हैं तो एक दूसरी जगह में फिट होते हैं, और जहाँ पे वो फिट होते हैं उसको हम कहते हैं सॉकेट। ठीक है, और ये टूथ हो गए, जहाँ पे ये फिट होंगे उनको बोलेंगे सॉकेट। ठीक है, तो टूथ और ग्रूव जो है इसमें प्रेजेंट होते हैं आर्टिकुलेट में। सिंपल मसल्स फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वेल्व, और वेल्व को ओपन और क्लोज करने के लिए सिंपल मसल्स होती हैं। इन आर्टिकुलेट में क्या होता है, टूथ एंड ग्रूव आर एबसेंट, टूथ यानी कि दांत इसमें होते ही नहीं है। ठीक है, और कॉम्प्लेक्स मसल फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ वेल्व, और वेल्व्स को खोलने या बंद करने के लिए कॉम्प्लेक्स मसल सिस्टम होता है। एक है हिंज लाइन, हिंज लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन अलॉन्ग द डॉर्सल एज ऑफ अ ऑफ अ बाइवेल्व, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो कि डॉर्सल एज की तरफ होती है उसको कहते हैं हिंज लाइन। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम इसमें देखेंगे मॉर्फोलॉजी, ब्रैकियोपोड जो है उनकी मॉर्फोलॉजी क्या होती है, मतलब कैसा उनका शेप होता है, कैसा साइज होता है, स्ट्रक्चर, यही तीन चीज़ें हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर, तो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा होता है इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ अ ब्रैकियोपोड सेल आर एज फॉलोज,
कुछ इंपॉर्टेंट जो इसके फीचर्स हैं वो यहाँ पे लिखे हैं। पहला, द सेल इज इक्विलेटरल एंड अनइक्वल। जो सेल होती है वो इक्विलेटरल होती है और अनइक्वल होती है, ठीक है। इक्विलेटरल होने का मतलब जो साइड्स जो हैं आपस में बराबर बराबर होती हैं, ठीक है। एंड अनइक्वल यानी कि जो सेल में जो दो वेल्व्स होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट, बोथ दी वेल्व्स आर प्रोड्यूस्ड इन टू वट कॉल्ड बीक और अम्बो। दोनों वेल्व्स की जो है वो एक तरफ से पॉइंटेड होते, दोनों वेल्व जो है एक जगह से पॉइंटेड होते हैं, उसको हम पॉइंटेड हिस्से को हम कहते हैं बीक। बीक यानी कि चोंच, जैसे चिड़िया की चोंच होती है ना, वैसे ही पॉइंटेड हिस्सा होता है, या फिर उसको अम्बो भी कहते हैं, ठीक है। बोथ द वेल्व्स आर प्रोड्यूस्ड इन टू वट कॉल्ड बीक और अम्बो ईच, ठीक है। दोनों वेल्व्स में एक पॉइंटेड हिस्सा होता है और उसको कहते हैं हम बीक या अम्बो। दे मार्क द पोस्टीरियर एंड ऑफ द सेल, यानी कि वो सेल का पीछे का हिस्सा बताते हैं, ठीक है। पोस्टीरियर का मतलब मैंने आपको बताया बैक पार्ट, नियरर टू हाइंड एंड, उसको कहते हैं हम पोस्टीरियर, ठीक है। तो दे मार्क दी, यहाँ पे बैक लिख दिया मैंने, ठीक है, पीछे का हिस्सा बताते हैं वो सेल का। द अम्बो ऑफ द वेंट्रल वेल्व इज मोर प्रोमिनेंट देन दैट ऑफ द डॉर्सल वेल्व, ठीक है। जो वेंट्रल वाल्व का जो अम्बो होता है यानी कि जो बीक होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है डॉर्सल वाल्व के मुकाबले। अब देखो वेंट्रल वाल्व कौन सा होता है, देखो वेंट्रल वाल्व होता है लोअर साइड, जो लोअर साइड होती है जहाँ पे मतलब उसका स्टोमक वगैरह होता है, उसको वेंट्रल वाल्व कहते हैं। नीचे वाले को हम वेंट्रल वाल्व कहेंगे और अपर वाले को, ऊपर वाले को हम डॉर्सल वाल्व कहेंगे, ठीक है। तो जो ये कह रहा है द अम्बो ऑफ द वेंट्रल वेल्व इज मोर प्रोमिनेंट देन दैट ऑफ द डॉर्सल वेल्व। जो डॉर्सल वेल्व का अम्बो जो सॉरी जो बीक होती है, यानी अम्बो मतलब बीक होता है, अम्बो जो है वेंट्रल वेल्व का ज़्यादा बड़ा होता है डॉर्सल वेल्व के मुकाबले, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट, द सरफेस ऑफ द शेल इज नियरली स्मूथ। जो शेल का सरफेस होता है वो स्मूथ होता है, बट एट इरेगुलर इंटरवल्स इट इज़ मार्क्ड बाई कंसेंट्रिक ग्रोथ लाइन्स। पर थोड़े थोड़ी जगह थोड़े थोड़े स्पेस के बाद वहाँ पे ग्रोथ लाइन्स दिखती हैं हमें, विच आर पैरेलल टू सेल मार्जिन, ठीक है, जो सेल मार्जिन के पैरेलल होते हैं, ठीक है। अब मैं ये आपको देखो इसका डायग्राम भी दिखाता हूँ और ये दो पॉइंट डायग्राम से भी समझाऊंगा, ठीक है। अब देखो तो मैंने आपको बताया था, देखो वैसे तो देखो ये है, ठीक है, ये सारे डायग्राम सीखे हैं बस अलग 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 व्यू पॉइंट से हैं, ठीक है। ये इसका साइड व्यू बनाया है मैंने, ठीक है, और ये है इसका बैक व्यू, ठीक है, ये इसका फ्रंट व्यू है, ये है बैक व्यू। मतलब जब हमने इसको ये जो ऐसा था इसको तोड़ दिया और ये ऐसा देखा हमने, तो ये इसका ऐसा वाला व्यू है फ्रंट व्यू, और जब हमने इसको ऐसा घुमा दिया तो ये वाला व्यू इसका ऐसा व्यू है, ठीक है। अगर हमने इसको ऐसे में रखा है, ऐसे में रखा है हमने इसको, तो ये इसका इस टाइप का व्यू है, ठीक है। और अगर हमने इसको ऐसे में रखा है, ऐसे में, ठीक है, ऐसे में रखा है हमने, तो ये इसका उस टाइप का व्यू है ये वाला, ठीक है। अब देखते हैं, मैंने बताया था आपको अम्बो, अम्बो क्या होता है, जो बीक जैसा स्ट्रक्चर है, चोंच जैसा स्ट्रक्चर होता है उसका, तो यहाँ पे ये ऐसे ऐसे चोंच ऐसे आगे को आई होगी, ये कुछ ऐसे, तो इसको कहते हैं हम अम्बो, ठीक है। वेंट्रल मैंने बताया आपको क्या होता है, वेंट्रल होता है लोअर साइड, जो उसके पीछे की साइड होती है उसको हम वेंट्रल वेल कहते हैं, तो ये हिस्सा जो है उसका वेंट्रल होगा, ठीक है। और देखो फिर दूसरा पॉइंट क्या बताया था, दूसरा पॉइंट बताया था मैंने आपको, द सरफेस ऑफ द सेल इज नियरली स्मूथ। जो सरफेस होता है पीछे से देखें तो हम वो बेसिकली स्मूथ ही होता है, यहाँ से ये स्मूथ होगा, बट यहाँ पे जो है ग्रोथ लाइंस देखी जाती है, मतलब जब वो बढ़ता है तो उस पर लाइंस बनती हैं, जब वो ग्रो करता है डेवलप करता है तो इनमें लाइन्स बन जाती है जिनको हम ग्रोथ लाइन्स कहते हैं। तो देखो ये ऐसी ग्रोथ लाइन्स इनमें दिखती हैं, ठीक है, इसमें इनमें ग्रोथ लाइन्स दिखती हैं, और ये ग्रोथ लाइन जो है आपस में क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं ग्रोथ लाइन, ठीक है, विच आर पैरेलल टू द सेल। ओके तो ये था आपके पहले दो पॉइंट, ये जो मैंने अभी आपको समझाया, ठीक है। और एक एक और ये भी बात बताई थी मैंने, बोथ द वेल्व्स आर प्रोड्यूस्ड इनटू व्हाट कॉल्ड बीक और अम्बो। तो बीक होती है, ठीक है, दोनों में, हाँ। द अम्बो ऑफ द वेंट्रल वेल्व इज मोर प्रोमिनेंट देन दैट ऑफ डॉर्सल वेल्व। जो वेंट्रल वेल्व की जो अम्बो होती है, ठीक है, देखो ये है वेंट्रल वेल्व, ये जो नीचे वाला हिस्सा है ये है
वेंट्रल वेल्व, और ये बड़ा होता है, ये डॉर्सल वेल्व है, ये सिर्फ यहाँ से ले यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे ये खत्म, और ये यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ पे खत्म। तो कौन सा बड़ा है, दिख रहा है हमें वेंट्रल वेल्व बड़ा है तो लिखा है यहाँ पे लार्जर, और ये डॉर्सल वेल्व है। अब ये कह रहा है जो, तो पॉइंट ये था हमारा कि द अम्बो ऑफ द वेंट्रल वेल्व इज मोर प्रोमिनेंट देन दैट ऑफ द डॉर्सल वेल्व। जो वेंट्रल वेल्व का अम्बो होगा, यानी कि जो इस वेल्व की जो बीक होगी वो ज़्यादा बड़ी होगी डॉर्सल वेल्व की बीक के मुकाबले। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। कवरिंग ऑफ दी डेल्थीरियम इज कॉल्ड डेल्टीडियम एंड दैट ऑफ नोटोथीरियम इज कॉल्ड चिलीडियम। अब देखो इसको डायग्राम से दिखाता हूँ, ठीक है, ये हमारा व्यू है। अभी ये दोनों ऐसे में बंद हैं, ठीक है, हम इसके बीच से देख रहे हैं, तो ऐसे हमने खोला इसको, इसके बीच में देख रहे हैं। तो ऊपर का जो हिस्सा होता है, यानी कि जो डॉर्सल वेल्व है, उसमें जो अंदर का हिस्सा होता है उसको बोलते हैं हम नोटोथायरियम, और जो नीचे का हिस्सा होता है, तो और जो नीचे वाले में यहाँ का हिस्सा होगा उसको बोलते हैं डेल्थायरियम, ऊपर वाले में ये हिस्सा नोटोथायरियम और नीचे वाले में ये हिस्सा डेल्थायरियम। ठीक है, तो जो नोटोथायरियम की कवरिंग होती है, ठीक है, क्या लिखा है ये देखो, कवरिंग ऑफ द डेल्थायरियम इज कॉल्ड डेल्टीडियम। तो डेल्थायरियम नीचे वाले में, तो जो इसकी ये जो कवरिंग है, उसकी जो कवरिंग है उसको बोलते हैं डेल्टीडियम, और ये जो ऊपर जो है ये हिस्सा नोटोथायरियम, उसकी जो ये कवरिंग है उसको बोलते हैं चिलीडियम। ठीक है, अगला पॉइंट, इन द आर्टिकुलेट ब्रैकीपोड्स। अब देखो इन आर्टिकुलेट मैंने समझाया है जिनमें टूथ और सॉकेट नहीं होते हैं, ठीक है, टूथ और सॉकेट नहीं होते हैं, इसमें दांत बिल्कुल नहीं होते हैं। तो इन, हाँ ये था वो पॉइंट, इन द इन आर्टिकुलेट, यानी कि जिसमें दांत नहीं होते, टूथ और सॉकेट अनअवेलेबल हैं, इन द इन आर्टिकुलेट ब्रैकीपोड्स द मसल्स विच ओपन द वेल्व्स आर कॉल्ड डाइडक्टर्स एंड दोज विच क्लोज देम आर नोन एज एडक्टर्स। ADDUCTORS, ठीक है, स्पेलिंग लिखते हैं ना, ADDUCTORS, ठीक है। तो इन आर्टिकुलेट ब्रैकियोपोड्स होते हैं, ठीक है, उनमें मसल्स विच ओपन द वेल्व्स आर कॉल्ड डाइडक्टर्स एंड दोज विच क्लोज आर नोन एज एडक्टर्स। तो मसल्स जो वेल्व को खोलती हैं वो होती हैं डाइडक्टर मसल। तो देखो ये जो ऊपर से ये मसल ये जुड़ी हुई है नीचे की तरफ, इसको बोलते हैं डाइडक्टर मसल, ये इसको वेल्व को ओपन करने में मदद करती हैं, ठीक है, और जो मसल वेल्व को क्लोज करने में मदद करती हैं वो ये वाली है जो नीचे से ये ऊपर की तरफ जा रही है, एडक्टर मसल। ठीक है, ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा आपके। थ्रू द फोरमैन ऑफ द वेंट्रल वेल्व अ मस्कुलर स्टॉक विच एक्सट्रूड्स गेट अटैच्ड टू द सबस्ट्रेटम, दिस इज नोन एज पेडिकल। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कह रहा है वेंट्रल वेल्व के फोर पार्ट से, फोरमैन मतलब आगे का हिस्सा, ठीक है, वेंट्रल वेल्व का जो आगे का हिस्सा होता है उससे एक मस्कुलर स्टॉक जुड़ा होता है जो कि बाहर की तरफ निकलता है, एक्सट्रूड का मतलब होता है बाहर की तरफ निकलता है, एंड गेट अटैच टू द सबस्ट्रेटम, और जुड़ा होता है सबस्ट्रेटम की तरफ, यानी कि जो नीचे की लेयर है उससे जुड़ा होता है, इसको बोलते हैं पेडिकल। तो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको डायग्राम को, ये देखो क्या कह रहा था पॉइंट, थ्रू द फोरमैन ऑफ द वेंट्रल वेल्व, जो जो वेंट्रल वेल्व होता है, ये वेंट्रल वेल्व है उसके फोरमैन मतलब ऊपर का पार्ट, ठीक है, फोरमैन मतलब जो उसका आगे का, जो उसके सिर की तरफ का हिस्सा है वो, ठीक है, तो ये है वेंट्रल वेल्व, उसका जो फोर पार्ट है यानी कि इस तरफ का पार्ट है उससे एक मस्कुलर स्टॉक यानी कि मांस का टुकड़ा जुड़ा हुआ होता है, ठीक है, मांस का टुकड़ा जुड़ा हुआ होता है जो कि बाहर की तरफ निकलता है। तो देखो ये यहाँ से खत्म हो गया और यहाँ पे ये खत्म हो गया, ये यहाँ से बीच में स्पेस है, गैप है, तो ये बाहर की तरफ निकला हुआ है मांस का टुकड़ा, इस मांस को के टुकड़े को ही हम पेडिकल कहते हैं, यही लिखा हुआ है इस पॉइंट में, ठीक है, जो कि बाहर की एक्सट्रूड मतलब बाहर निकल रहा है एंड गेट अटैच टू द सबस्ट्रेटम, और वो इस लेयर के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इसी को कहते हैं हम पेडिकल। ठीक है, अब अगला पॉइंट ये है, डायरेक्टली बीनीथ द बीक द इंटर एरिया ऑफ ईदर वेल मे बी इंटरप्टेड बाय ट्राइंगुलर ओपन स्पेस टर्म्ड एज डेल्थीरियम इन द वेंट्रल वेल एंड नोटोथीरियम इन द डोर्सल वेल। अब डेल्थीरियम और नोटोथीरियम यहाँ ऊपर भी आए थे, तो एक बार यहाँ पे समझा देता हूँ कि ये डेल्थीरियम और नोटोथीरियम की उनकी डेफिनेशन है, क्या कह रही है, डायरेक्टली बीनीथ द बीक, जो उसकी बीक है ये है बीक,
उसके डायरेक्टली नीचे ये है, ठीक है। इन दोनों के बीच में ओपन स्पेस होता है, ठीक है, इन दोनों के बीच में थोड़ा ओपन स्पेस होता है। इस ओपन स्पेस को, तो यहाँ पे जो ये ओपन स्पेस है, ये जो ऊपर वाले में ऊपर स्पेस है, इसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, ये देखो ये ऊपर वाला है, इसमें जो ओपन स्पेस है, ये ट्राइंगुलर शेप का ओपन स्पेस होगा यहाँ पे, ये देखो ऐसा है ना, ये तो ये ट्राइंगल शेप जैसी बन रही है, देखो ऐसा ऐसा और ऐसा ट्राइंगल शेप का ओपन स्पेस बन रहा है। तो जो ट्राइंगुलर शेप का ओपन स्पेस है ऊपर वाले हिस्से में, ठीक है, ऊपर वाले हिस्से में मतलब ये द इंटर एरिया ईदर वेल मे बी इंटरप्टेड बाई ट्राइंगुलर ओपन स्पेस टर्म्ड एज डेल थीरियम इन द वेंट्रल वेल्व। तो जो वेंट्रल वेल्व है, ये नीचे वाला हिस्सा है, इसमें जो है ये नीचे वाले हिस्से में, इसको तो हम बोलेंगे डेल्थीरियम, और जो ऊपर वाले हिस्से में जो ट्राइंगुलर ओपन स्पेस है उसको बोलेंगे हम नोटोथीरियम, ठीक है। अब आगे, समटाइम्स द टीथ आर सपोर्टेड बाय प्लेट्स नोन एज डेंटल प्लेट। कभी कभी जो ये जो टीथ जो होते हैं उनको एक प्लेट सपोर्ट करते हैं, उस प्लेट को कहते हैं डेंटल प्लेट। इनसाइड द शेल ऑफ द ब्रैकियोपोड्स द फॉलोइंग ऑर्गेन्स आर फाउंड टू बी प्रेजेंट। ब्रैकियोपोड्स के अंदर ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, ये ऑर्गेन्स प्रेजेंट होते हैं, बिसाइड दोज विच हैव बीन डिस्क्राइब, जो जो हमने ऊपर डिस्क्राइब कर लिया उनको छोड़ के ये ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि विज मतलब फॉर एग्जाम्पल क्रूरा, क्रूर CRURE, इसकी स्पेलिंग यहाँ पे ई होनी चाहिए, CRURE। मीडियन सेप्टम, सेप्टिलल प्लेट्स, स्पॉन्डियल लिम, स्पॉन्डाइलियम, ब्रैकिडियम, विच कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सिंपली कर्व्ड ऑन डबली बेंट आर्म्स नोन एज लीफ। ब्रैकिडियम में क्या होता है, ब्रैकिडियम होता है जिसमें क्या होता है, पेयर ऑफ सिंपली कर्व्ड ऑन डबली बेंट आर्म्स नोन एज लूप्स, ठीक है, उसमें दो लूप्स होते हैं, पेयर ऑफ लूप्स होते हैं जो कि कर्व शेप में रहते हैं और दो जगह से बेंट रहते हैं, ठीक है, नोन एज लूप्स। एंड द स्केलेटल कनेक्शंस ज्वाइनिंग बोथ द आर्म्स आर नोन एज जुगम। और जो स्केलेटल कनेक्शन होते हैं, जो दोनों आर्म्स के बीच में, ये एक आर्म है ये आर्म है, इन इनके आर्म्स के बीच में जो स्केलेटल कनेक्शन होता है उसको बोलते हैं जुगम, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये तो ये जो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, क्रूर तो ये है ये, ठीक है, ये मीडियन सेप्टम, ये जो ये बीच का है इसको मीडियन सेप्टम कहते हैं, ये पूरा एक सॉकेट है, ठीक है, और ये जो ये हिस्सा है यहाँ पे, ये जो ये कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं जुगम, ठीक है। अब आगे, ऑन द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द वेल्व समटाइम्स रिजेस आर फॉर्म फाउंड विच एक्सटेंड रेडियली फ्रॉम बीक, समटाइम्स देयर अकर्स रेडियल रिप्स स्पाइंस नॉब्स विच ऑर्नामेंट द एक्सटर्नल सर्फेस ऑफ द सेल। इसका मतलब ये है, जो उसका एक्सटर्नल हिस्सा हिस्सा होता है, ठीक है, ये उसका एक्सटर्नल हिस्सा है, उसमें रिजेस आर फॉर्म, रिजेस मतलब उभार बने होते हैं, कभी कभी उसमें उभार बने होते हैं, ठीक है। ये देखो जैसे ये है ना, ये तो ग्रोथ लाइन से, इसमें क्या होता है कभी कभी ऐसे यहाँ से उभार बने होते हैं, ये ऐसे ऐसे नीचे को लाइन्स रेडियली आती हैं नीचे की तरफ, ऐसे रेडियस की तरह यहाँ से लाइन नीचे को आते हैं, और ये उठी हुई होती है ऊपर की तरफ, उभार रहे हैं कि रिज मतलब उभार बना होता है, ठीक है, और ये बीक से निकलती हैं, यहाँ पे उसकी आगे से बीक होगी और यहाँ से ये निकल रही हैं, ठीक है, तो यहाँ से कुछ लाइनें निकलती हैं रेडियस की तरह, विच एक्सटेंड रेडियली फ्रॉम बीक, जो बीक से रेडियस की तरह निकलती हैं। समटाइम्स देयर अकर रेडियल रिप्स, ठीक है, ये रेडियल रिप्स, ये देखो यहाँ पे भी बनाए रखी है मैंने इनको, जैसे रिब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारा रिब केज होता है ना हमारा, वैसे ही यहाँ से रिब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है जिनको रेडियल रिप्स कहते हैं। स्पाइंस नॉब्स विच ऑर्नामेंट द एक्सटर्नल, स्पाइंस नॉब्स भी होती हैं जो कि इस एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को सजा देती हैं, ऑर्नामेंट का मतलब तो आभूषण, आभूषण की तरह सजा देती है, गहनों की तरह सजा देती हैं, ठीक है। अब आगे, ठीक है, आगे देखो ये है, द शेल फॉर्म ऑफ द ब्रैकियोपोड्स मे बी एलोंगेटेड। जो शेल की फॉर्म होती है यानी कि जो शेप होती है वो एलोंगेटेड हो सकती है, इलिप्सॉइडल हो सकती है, सब सर्कुलर ऑबले सर्कुलर हो सकती है, ऑबलेट हो सकती है, OBLAT, कॉनकेवो कॉन्वेक्स, बाई बायो कॉन्वेक्स, बाई कॉन्वेक्स, ठीक है, ओ नहीं आना चाहिए यहाँ पे, प्लेनो कॉन्वेक्स एट्सेट्रा, ये सारी शेप्स हो सकती हैं, ठीक है। अगला, वेन द शेल्स आर फाउंड टू पोजेस माइन्यूट होल्स दे आर नोन एज पंक्चुएट सेल्स। अगर सेल्स में जो है छोटे छोटे गड्ढे पाए जाते हैं तो उसको पंक्चुएट सेल्स कहते हैं। द जंक्शन बिटवीन द वेल्व्स इज नोन एज कमिशर। तो दोनों वेल्व्स के बीच में जो जंक्शन होता है, जो जोड़ होता है उनके बीच में, उस जोड़ को कहते हैं कमिशर, COMMISSURE। द इनिशियली फॉर्म्ड शेल्स आर कॉल्ड प्रोटीगुलम।
जो शुरुआत में जो सेल्स बनते हैं उनको बोलते हैं प्रोटीगुलम, PROTEGULUM, ठीक है। यहाँ पे पूरा आया नहीं तो मैंने ऊपर से लिख दिया। द ओल्डर द एज, जितना बूढ़ा होगा सेल, द सेल्स बिकम थिक, उतना ज़्यादा वो थिक हो जाता है, मोटा हो जाता है। एंड देयर मार्जिन ट्रंकेटेड, और उनकी मार्जिन जो है उतनी ज़्यादा छोटी हो जाती हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्रैकियोपोड, ठीक है। ब्रैकियोपोड का जियोलॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, दे आर कन्फाइंड टू मोस्टली मैरीन इन्वायरमेंट, मैरीन इन्वायरमेंट यानी कि पानी के आसपास पाए जाते हैं ज़्यादातर। हैंस आर फाउंड टू बी प्रेजेंट इन रॉक ऑफ मैरीन नेचर, तो वो ऐसे पत्थरों में पाए जाते हैं जिनमें पानी की, मतलब जो रॉक मैरीन नेचर के, मैरीन नेचर की मतलब उनमें पानी रहता है। लोअर कैम्ब्रियन पीरियड में पाए जाते हैं, लिंगुलेला, क्यूटोजीना, ओबोलेला एटसेट्रा, ठीक है। ये इनके कुछ नाम भी दिए गए हैं यहाँ पे। द जियोलॉजिकल रेंजेस ऑफ सम इम्पोर्टेंट स्पीसीज आर एज फॉलोज, इनकी जो ये कुछ इम्पोर्टेंट स्पीसीज हैं ब्रैकियोपोड्स की, उनका जियोलॉजिकल टाइम स्केल में वो किस पीरियड से किस पीरियड तक गए वो हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला प्रोडक्टस जो स्पीसीज है वो कार्बोनिफेरस से परमियन तक रही। जो ऑर्थिस जो है वो ओडोवीशियन, ORDOVICN से सिल्यूरियन तक रही। स्पायरेफर जो थे वो सिल्यूरियन टू परमियन पीरियड तक रहे। एट्राइपा जो है वो ओडोवीशियन टू डेवोनियन तक रहे। रेनकोनेला, RSYNCHONELLA, वो जुरासिक में रहे। टर्ब्रेट्यूला, वो ईयोसीन टू प्लायोसीन में रहे। और टर्ब्रेटिला, ये ट्यूला था, ये टेला है, ठीक है, ट्रायसिक टू प्रेजेंट डे, ये अभी भी पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये थे आपके ब्रैकीपोड्स के ऊपर ये वीडियो, ठीक है। ये आपके नोट्स आपने देख ही लिए होंगे, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ इन सबको शुरुआत से, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट पेज, ये फिर यहाँ पे इनकी मॉर्फोलॉजी शुरू, सेकंड पेज, ये थर्ड पेज, ये है फोर्थ पेज, और ये डायग्राम। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, मैंने बड़ी मेहनत से बनाई है, ठीक है। और तो आप ऐसे ही ये वीडियोस देखते रहिए, इसके बाद मैं और भी वीडियोस डालूँगा, ठीक है। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।